कोरोना महामारी के बारे में बहुत सी खबरें पढ़ी, देखी और सुनी होगी, इसलिए हम यहाँ यह नहीं बताएंगे कि हमारे देश में अभी क्या हालत है, क्योंकि वो तो आप सब जानते हैं। हम यहाँ यह बता रहे हैं कि इस हालत से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया है कि अब जो करना है हमें ही करना है, इसलिए किसी के भरोसे मत रहें। फेसबुक और सोशल मीडिया की तस्वीरें हमें डरा रही है, ना चाहते हुए भी मन में निगेटिविटी हावी हो रही है, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना होगा। हॉस्पिटल के क्या हालत है यह हम सभी जानते हैं, तो अगर पेशेंट के अंदर गंभीर लक्षण नहीं है और डॉक्टर होम क्वारंटाइन के लिए बोले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सही तरीके से पेशेंट और अपना ध्यान रखेंगे तो वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम जानते हैं कि किसी अपने को तकलीफ में देखने का क्या मतलब होता है, लेकिन अगर हम ही हिम्मत हार कर घबरा जाएंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा। हम यह नहीं कहते हैं कि यह सब इतना आसान होगा, लेकिन यकीन मानिए, जब कोई आपका अपना ठीक होकर मुस्कुराएगा तो सारी तकलीफें एक मिनट में छू हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ उन बातों के बारे में बता रहे हैं जिससे घर पर कोरोना पेशेंट की देखभाल करना आसान हो जाएगा। घर पर कोरोना पेशेंट का ख्याल रखने के बारे में सोचकर टेंशन तो होगी, क्योंकि हमें डर लगता है कि उनका ध्यान रखने में कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं घर का कोई दूसरा सदस्य संक्रमित ना हो जाए। इसलिए पेशेंट को एक अलग कमरा दे दें, उनकी देख रेख, खाने पीने की व्यवस्था की जिम्मेदारी को परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें, क्योंकि किसी एक के ऊपर सारा बोझ देने से उनकी हालत खराब हो सकती है। हालांकि खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को ही दें, वही पेशेंट के लिए एक टाइम टेबल बना लें, उसको खाना, दवाइयां, काढ़ा, गर्म पानी, फल, जूस सब कुछ टाइम पर दें। जो एक व्यक्ति पेशेंट की देख रेख के लिए उसके नज़दीक जाता है, बाकी घर वाले उसे डिस्टेंस मेंटेन रखें। घर के सभी सदस्य NH5 या डबल मास्क का प्रयोग करें, साथ ही पेशेंट के लिए फेस शील्ड का इस्तेमाल जरूर करने बोलें। वहीं नंगे पैर ना रहें और शू कवर पहनें। वायरस को ख़त्म करने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, रोजाना लिक्विड सैनिटाइज मिलाकर पोछा लगाएं। जितने बार भी पेशेंट के संपर्क में आए खुद को डिसइंफेक्टेड करें, इसके लिए स्ट्रॉन्ग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। घर के सभी सदस्य समय समय पर हैंड सैनिटाइज करते रहें, रोज़ नहाएं, साथ ही पेशेंट को नॉर्मल रूटीन फॉलो करने के लिए बोलें, जिसमें समय से जागना, समय से सोना, रोज़ हल्के गर्म पानी से नहाना और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम। साथ ही घर के जिन लोगों को COVID-19 का टीका लग सकता है ज़रूर लगवाएं, और कोई परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। खाने में तेल मसाला कम खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट का सेवन करें, साथ ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार विटामिन बूस्टर या विटामिन सी वाले फलों का इस्तेमाल करें, खूब सारा पानी पिएं और इस विश्वास के साथ सकारात्मक सोचें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।